मूवी की शुरुआत में हम जूलिया को देखते हैं, वो काफी मोटी थी, इसीलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए राजी नहीं होता और इसी वजह से वो काफी परेशान भी रहती है। अब वो अपनी पड़ोसी को देखती है जो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी भी शादी नहीं हो पाई थी। जूलिया उसकी तरह अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो खुद ही अपने प्यार की तलाश में निकल जाती है। लेकिन वो बाहर जाकर बड़ा अजीब सा डांस करके वहाँ खड़े लड़कों को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भद्दा डांस देखकर वो सब इरिटेट होने लगते हैं। ये देखने पर जूलिया एक गाड़ी वाले के सामने अपना डांस दिखाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसके दोनों संतरे उछलकर पीछे की तरफ आ गिरते हैं, जिसकी वजह से वो कार वाला काफी डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ और काफी सारे लोग जूलिया से परेशान हो जाते हैं, तो वो भी उससे अपना पीछा छुड़ाने लगते हैं। अब जूलिया थक हार कर अपने फादर के रेस्टोरेंट पहुँचती है, जहाँ उसके फादर को पता चलता है वो लड़का खोजने गई थी लेकिन नहीं मिला। अब वो बोलते हैं उसे एक जूस लड़के से शादी करनी है। तभी उसकी मदर आकर बोलती है नहीं, उसे एक इंडियन लड़के से शादी करनी है। ये बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी उसकी सिस्टर आकर बोलती है वो एक जैपनीज लड़के से शादी करेगी, क्योंकि वो जैपनीज थी। दरअसल ये फैमिली मिक्सर थी, इसीलिए सब अपनी अपनी बिरादरी के लोगों से शादी करने को बोल रहे थे। अब जूलिया के फादर उसे अपने वर्कर निकी से शादी करने को बोलता है, क्योंकि वो जूस इंडियन जैपनीज इन सभी का मिक्सर था। पर निकी इतनी मोटी जूलिया को देखने पर शादी से मना कर देता है। वहीं कुछ देर बाद जूलिया रेस्टोरेंट में आए ग्रैंट को देखती है, तो उससे अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं ग्रैंट भी मोटी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, पर इसी बीच जूलिया के फादर उसे आवाज लगाकर बुलाने लगते हैं। तभी जूलिया अचानक से घूमती है, तो जूलिया अनजाने में चाय की केतली को ग्रैंट के मुँह पर दे मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब कुछ आगे बढ़ने पर वो पीछे देखती है, तो उसे लगता है ग्रैंट भी उसे नापसंद करके भाग गया। अब वो मैरिज ब्रोकर के पास जाती है, तो वो छोटा आदमी जूलिया की कंडीशन देखकर उसे पास की वर्कशॉप लेकर जाता है, जहां उसके ढीले पैचों को कस दिया जाता है। और देखते ही देखते जूलिया एक बड़े टैंक से एक छोटी सी टंकी बन जाती है। इसके बाद ब्रोकर उसे काफी सारी लड़कियों के पास लेकर जाता है। इनमें से एक लड़का एक लड़की को पसंद करने वाला था, और वो लड़का कोई और नहीं ग्रैंट ही होता है। ग्रैंट सभी लड़कियों में से जूलिया को चुनता है, जिसके साथ वो डेट पर जाकर उसके घर भी जाता है। वहां जूलिया के रूम में वो उसका अंडरवियर देखने पर काफी हैरान होता है, मानो वो किसी हाथी का हो। पर तभी वो खुद को संभालते हुए जूलिया के मॉम डैड से मिलने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंट जब वाइन की बोतल खोल रहा होता है, तो तभी उसका ढक्कन खुलकर वहाँ रखे एक एंटिक पीस पर जा लगता है। वो गिरकर टूट जाता है, तो पता चलता है उसमें जूलिया की ग्रैंड मदर की मम्मी को दवाई बूटी लगा कर रखा गया था। यहाँ पिटाई से बचने के लिए जूलिया ग्रैंट को बाहर लेकर भाग जाती है, और फिर जूलिया काफी सारी करके ग्रैंड को उसके घर छोड़ने जाती है। तो रास्ते